भारत और वेस्टइंडीज के बीच खेली जा रही 5 मैचों की T20 सीरीज के चौथे मैच में एक बार फिर दिग्गज विकेटकीपर बल्लेबाज ऋषभ पंत के तूफानी बल्लेबाजी के दम पर भारतीय टीम T20 सीरीज भी अपने नाम कर चुकी है। टीम इंडिया के इस शानदार जीत के हीरो रहे ऋषभ पंत और संजू सैमसन। हालांकि पहले बल्लेबाजी करने उतरी टीम इंडिया की तरफ से बतौर सलामी बल्लेबाज आए रोहित शर्मा और सूर्य कुमार यादव बड़ी पारी खेलने से चूक गए। खैर भले ही यह दोनों भारतीय बल्लेबाज जल्दी आउट हो गए, इसके बावजूद आउट होने से पहले छोटी लेकिन तेज तर्रार पारी खेलकर टीम इंडिया को अच्छी शुरुआत दिला चुके थे। टीम इंडिया की तरफ से तीसरे नंबर पर बल्लेबाजी करने आए दीपक हुडा से शतकीय पारी की उम्मीद थी, लेकिन दीपक हुडा 21 रन के निजी स्कोर पर कैच आउट हो गए। रोहित शर्मा, सूर्य कुमार यादव और दीपक हुडा जैसे तीन दिग्गज बल्लेबाजों के जल्दी आउट होने के बाद वेस्टइंडीज के कप्तान निकोलस पूरन भी अपनी टीम की जीत लगभग तय मान चुके थे, लेकिन इसके बाद मैदान पर आया ऋषभ पंत और संजू सैमसन का तूफान। टीम इंडिया की तरफ से चौथे और पांचवें नंबर पर बल्लेबाजी करने आए ऋषभ पंत और संजू सैमसन ने जिस अंदाज में ताबड़तोड़ तूफानी बल्लेबाजी की, उसे देखकर वेस्टइंडीज के गेंदबाज मैदान में ही थरथर कांपने लगे। पंत और सैमसन की बल्लेबाजी देखकर कई क्रिकेट विशेषज्ञ मान रहे हैं कि इन दोनों विकेट कीपर बल्लेबाजों को बतौर सलामी बल्लेबाज मौका मिलता तो पारी के शुरुआत में ही वेस्टइंडीज की गेंदबाजी आक्रमण को ध्वस्त कर सकते थे। आपको बता दें कि आज T20 सीरीज का 5वां और आखिरी मुकाबला खेला जाएगा। पिछले सभी मैचों में खास तौर पर ऋषभ पंत ने जिस अंदाज में आक्रामक बल्लेबाजी की है, उसे देखते हुए माना जा रहा है कि आज एक बार फिर आखिरी T20 में भी ऋषभ पंत तूफानी पारी खेल सकते हैं। ऋषभ पंत के कुछ फैंस तो यह भी दावा कर रहे हैं कि आज 5वें T20 में उन्हें बतौर सलामी बल्लेबाज मौका मिले तो मात्र 25 से 30 गेंद पर शतक लगाने का विश्व रिकॉर्ड बना सकते हैं।